जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का वो शिक्षण संस्थान जिसमें पढ़ने का लगभग हर छात्र का सपना होता है। लेकिन जेएनयू में जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं, उसके बाद लगातार इसका नाम बदनाम हो रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएनयू देश विरोधियों का गढ़ बनता जा रहा है। भारत विरोधी नारे लगाए जाते रहे हैं। भारत के टुकड़े करने की बात इसी विश्वविद्यालय के अंदर की गई है, जिसके बाद जेएनयू को बंद करने की भी मांग उठी। लेकिन सरकार ने विश्वविद्यालय को बंद करना उचित नहीं समझा, परंतु सरकार ने वहां हिंदुत्व के प्रचारक और छात्रों के आदर्श रहे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना की और थोड़ा बहुत पठन पाठन में बदलाव किया, ताकि यहां पर जो विचारधारा पनप रही है, जो बढ़ रही है, जो खत्म होने के कगार पर है लेकिन अपने प्रचार प्रसार के लिए लगातार कोशिश कर रही है, उसका खात्मा किया जा सके और देश विरोधी लोगों की जो मानसिकता है उसे बदला जा सके, देश प्रेमी जो लोग हैं वो हमारे देश में बढ़ सके, इसीलिए इस शिक्षण संस्थान में बदलाव किया गया। लेकिन इसका भी जमकर विरोध हुआ। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उसके बाद ये साफ पता चल गया कि किस प्रकार की विचारधारा यहां पर रह रही है। यहां तक विरोध हुआ कि हिंदुत्व की कब्र खोदने की भी बातें कही गई, जबकि इस शिक्षण संस्थान से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं था। कई बार राइट विंग और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच जमकर बवाल भी हुआ, लेकिन सरकार ने अब मुख्य समस्या पर ही आघात कर दिया है और इसे खत्म करने का निर्णय ले लिया है, जिसके बाद बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अब दीवारों पर, जेएनयू के दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नफरती नारे लिखे जा रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो देश को तोड़ने की मंशा लिए बैठे हैं और इसीलिए अब देश धर्म को तोड़ने के लिए जातियों को आपस में भिड़ाया जा रहा है और इसका चलन सोशल मीडिया पर भी बखूबी चल रहा है। लेकिन ये अलग विषय है कि कैसे हिंदुओं को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही है, इस पर हम कभी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम उस नासूर की बात कर रहे हैं जिस पर सरकार ने मरहम लगाना छोड़ दिया है और उसे खत्म करने का ठान लिया है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों और बनियों को भगाया जा रहा है जेएनयू विश्वविद्यालय से। उनके विरोध में नारे दीवारों पर लिखे जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जेएनयू में वामपंथ ने अपना डेरा जमा लिया है। कुछ नेताओं की मिलीभगत भी है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनका सहारा लेते हैं और इन्हें फलने फूलने में मदद करते हैं और इसीलिए समय समय पर ये वामपंथी भारत को तोड़ने की साजिश करते रहते हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम इनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता। आए दिन ये सरकार और आम जनता के लिए मुसीबत लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। कोई योजना परियोजना का विरोध हो या फिर भारत के अभिन्न अंगों को तोड़ने की मांग हो या फिर हिंदुओं के लिए षड्यंत्र रचना हो, ये सब आसानी से यहाँ हो जाता है और इसके लिए वहाँ शिक्षा देने वाले शिक्षक बखूबी लोगों को भड़काते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और इसका सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। अब इन्हीं शिक्षकों को हटाकर जब सरकार जेएनयू में भारत प्रेमी और देश धर्म को जोड़ने वाले शिक्षकों को भेज रही है तो भारत विरोधी तबका जेएनयू का जो रह रहा है जेएनयू में वो डर रहा है और इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वापस आप शाखा लौट जाइए। उन शिक्षकों को निशाने पर लिया जा रहा है जो देश प्रेमी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और बनिए जेएनयू छोड़ दें, भारत छोड़ दें ब्राह्मण, इस प्रकार के नारे आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें जो हैं ये बताती हैं कि किस प्रकार से एक भारत विरोधी हिंदुओं के विरोध में एक बड़ी मानसिकता है जो किस तरीके से यहाँ पर पनप रही है। एक पहले से ही यहाँ पर विचारधारा रह रही है वामपंथ की, जिसका एक पैर कब्र में है और अपने आप विचारधारा को खत्म होते देख वो सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। हिंदुओं को भिड़ाने, SC ST को अपना हितैषी बता अपने गैंग में शामिल करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन ये वामपंथी कभी भी SC ST के हक की बात नहीं करती। ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं। अब जब से जेएनयू में शिक्षकों का बदलाव हुआ है और अपने पठन पाठन में बदलाव किया गया है, तभी से यह हाय तौबा मचा हुआ है और जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनिया विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं। इन भारत विरोधी ताकतों की घटती कीमत और बौखलाहट है जो ये नारेबाजी बयां कर रही है। अब ऐसे में जेएनयू के प्रोफेसर निवेदिता मेनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो छात्रों को लेक्चर दे रही हैं। लेकिन ये लेक्चर अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सुनते तो उनके दिल पर क्या बीतती आप भी खुद समझ सकते हैं जब ये आप उनका बयान सुनेंगे, जिन्होंने भारत को एक एक करके जोड़ा, एक धागे में पिरोया ताकि कोई दुश्मन हमारे कमजोरियों का फायदा ना उठाए, भारत को एक किया, अब उसी भारत को तोड़ने का षड्यंत्र किस तरीके से भारत में बैठे ही लोग कर रहे हैं।
जिस भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा, उसी भारत को तोड़ने के लिए भारत के ही एक विश्वविद्यालय में इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। भारत को किस तरीके से जोड़ा गया उसके बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है। छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। इतिहास तो गलत बताया ही जा रहा है, भविष्य भी उनका अंधकार में डाला जा रहा है। भारत की अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार किया जा रहा है। सुनिए निवेदिता मेनन को, जिनके दिल में आतंकियों के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन भारत को एक धागे में पिरोना इन्हें गलत नजर आता है। भले ही ये वीडियो पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। और अगर आप इन मैडम की बातें सुनेंगे तो आपको जेएनयू की दशा आज ऐसी कैसी हुई है ये बात भी समझ में आ जाएगी। सुनिए जेएनयू के प्रोफेसर निवेदिता मेनन को। इंडिया जिसे हम कह रहे हैं, उसके कई जगह ऐसे थे, कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपनी अपने स्वायत्त इतिहास थे, कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑफ द नेशन स्टेट। वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के साथ वो डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, और उनकी अपनी अपना इतिहास था। लेकिन इस सबको एक तरफ करके इंडियन स्टेट ने एक बड़ा स्टेप लिया कि ये सब हमारा है। अब मणिपुर को लीजिए, मणिपुर 1947 में, 1947 में, सॉरी कैन यू जस्ट कीप दोस पेपर्स, थैंक्स, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था, एक संवैधानिक राजशाही उन्होंने एस्टैब्लिश की थी विद अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली। ये ब्रिटिश के साथ जो नेगोशिएशंस चले थे वो ये हुआ था, बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक असेंबली जिसमें लोगों ने चुनाव लड़े, जिसमें चुनाव लड़े लोग, और वो मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। लेकिन विद इन मंथ्स मणिपुर के राजा को, यानी कि हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया और मणिपुर को मर्जर के लिए जबरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी अग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टिव स्टेटस दिया गया। उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया, और शायद सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू एक्चुअली एयरली बॉम नागालैंड। कश्मीर की कहानी एक्चुअली यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अब इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए जेएनयू के प्रोफेसर को लोग खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। डॉक्टर ऋचा राजपूत ने भी इनके बारे में ये लिखा है कि जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन, वीडियो ध्यान से देखें और सुने कि कितना जहर उगल रही हैं भारत के खिलाफ, और इसको कांग्रेस और वामपंथियों का खुला समर्थन हासिल है। बहरहाल ये वीडियो तो आपने निवेदिता मेनन का सुना ही, किस तरीके से वो भारत के विरोध में बातें कर रही हैं। लेकिन इन्हीं निवेदिता मेनन को बुद्धिजीवी कहा जाता है, और इन्हें कई बड़ी हस्तियां समर्थन देती हैं, कई बड़ी पार्टियां इन्हें समर्थन देती हैं। इनकी जो विचारधारा है वो तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही चलते चलते ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जेएनयू में जो कुछ भी लिखा गया उसके पीछे क्या कुछ साजिश हो सकती है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा।